रही है और यहाँ पे भी रोटी है, लेकिन क्या करूँ, गैस बहुत ही कम आ रही है आपको। ये देखिए इतनी इतनी सी गैस है और इसमें जो है ना रोटी बहुत मुश्किल से बन रही है, और इस पर जो है ना रोटी सूख भी रही है क्योंकि गैस बराबर नहीं आ रहा, तो सूख भी रही है। तो बस बना रहे हैं, देखें कैसे बनती है। जो है ना आज नाश्ता जो बन रहा है, मैंने कितने ही दिन के बाद, मैंने रमज़ान में पराठा खाया था, उसके बाद आज खा रही हूँ। और मैंने बनाया अपने लिए रुमाली पराठा, बुलबुला जैसे। तो ये देखें ये रुमाली पराठे का माशाल्लाह से, ये चाहे पराठा बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, ये ऐसे ना फूल जाता है क्योंकि इसकी तय जो होती है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे मेरी चाय चढ़ी है और इतनी तीलियाँ ज़ाया किए तब जाके हमारे घर गैस आई है और नाश्ता बना। तो यहाँ पे ये देखें, अपने पापा को बोले सर में दर्द हो रहा है, सर दबा दे। ये खिदमत खल्क यहाँ पे चल रहा है। क्या हुआ फादिया, बुखार तो नहीं हो रहा? बुखार नहीं है? नहीं नहीं, अगर हो तो दवाई ले आते हैं। इसने केचप लगवाया और यहाँ पर क्या खा रहे हो? मिठाई। ये खा रहे हैं पेड़े, शहबाज भाई लाया था, वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। सबके अपने अपने मूड बने हुए। क्या हुआ? पर दादा को नहीं मिल सकता। हाँ दादा, क्योंकि ये सैंडविच खा रही है ना, इसीलिए। मुझे तो मिल सकता है। हाँ पे आज बन रही है हमारे घर छोले, क्योंकि मैंने सुबह से पहले उबाल के रख दिए थे, तो मसाला बनाते बनाते ना ये कुछ ज़्यादा ही साइड से लाल हो गए। तो ये लहसुन अदरक और मैंने डाला है जीरा, आपको पता है मैं तीनों एक साथ ही कूट लेती हूँ। तो इसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करने लगी हूँ, जो कि आज घर पे कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। मेरा भी बाहर शॉपिंग पे गई है, बच्चों को अली हमजा फादिया इसको दिलबर लेके गया है बाहर। तो ये टमाटर और मैंने इसमें हरी मिर्ची वो कर ली थी, बस इनको भूनते हैं, फिर जैसे ही हो जाएंगे तो कुकर में इनको डालेंगे। अभी बाकी सूखे मसाले लाल मिर्च वगैरह वो डालती हूँ, वो भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है ना मेरा मसाला हो रहा है, मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है, मसाला हो चुका। और यहाँ पे ये देखिए चने पड़े हुए हैं, अब चनों के अंदर इसको डालती हूँ और इसको या तो ढक्कन कुकर का लगा दूँगी या दूसरा ढक्कन दे के ना हल्की आँच पर छोड़ देती हूँ, वो तो बात की बात है। लेकिन मसाला इसमें ऐड करती फिर देखती हूँ। सीटी तो लगा दी, ये वाली भी ख़राब होगी, ये वाली को भी जंग लग गया, क्या कर सकते। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाए हैं सत्तू, क्योंकि इस गैस से ना बहुत ज़्यादा किचन में गर्मी हो जाती है। तो बस शक्कर डालिए और सत्तू डालें और ठंडा ठंडा पानी डालें, बस इसको मिक्स करते हैं, पीते हैं और इंतज़ार करते हैं ये कब एक सीटी लगेगी तो उतार लूँगी, क्योंकि छोले पहले से काफ़ी जो थे ना गल चुके थे। तो बाकी मसाला भी अच्छे से भुन चुका था, तो बस एक ही सीटी तक ये मिक्स हो जाए अच्छे से, तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। मम्मा क्या हुआ? मामा जी, मामा म्याऊ 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 जी, मम्मा मामा जी माऊ माऊ पापा पा पापा मम्मा म्याओ माओ गंदी गंदी बच्ची शरारती। क्या हुआ? पापा का है, पापा दुआ पापा का है। स्कूल जाओगी? स्कूल जाओगी? स्कूल जाओगी? म्याऊ माऊ। अच्छा बोलो माऊ गंदी बच्ची। क्या 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 कहाँ? मीर का है, मीर बोलो, मीर 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 कहाँ है? कहतो कहतो पानी पीने
पानी पानी। अच्छा चाय पीनी है, चाय पीनी है, चाय पियोगी पियोगी पाई, पाई पियोगी, नहीं चाय पी लो, चाय 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 पी लो। ये जो है ना भाभी ने चावल बना के भेजे, आज वो हमारे घर भी आई थी, केक लेके आई थी, लताफ भुट्टा उनके ब्लॉग का नाम है, तो उनको कहा है सुमेरा ने कि मुझे चावल आपने जो भेजे थे ना ईद पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, तो उन बेचारी ने अभी इस टाइम रात के क्या बज रहे तकरीबन 11 का टाइम है, और उस बेचारी ने फिर से बना के ना भेज दिए हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों आप मैं जल्दी ना लंच पे निकल पाई मैं। ओहो फिर अब क्या होगा? हाँ घर जाके कर लूंगे। चलो घर पर चल कर करते, आज तो भाई मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं रोई ना सुबह ना अभी। सबके कल मुझे कमेंट्स से इतने बुरे बुरे कमेंट्स के, पहले नैना को समझाओ, दिलबर को समझाओ, तो नैना की शादी हो गई है, वो अपने घर है, वो जाने और उसके काम जाने, ठीक है, कोई किसी के कहने से नहीं होता। और रही दिलबर की बात, तो उसे काफ़ी दफ़ा कहा, वो कहते हैं पहले वो लोग करते हैं तो फिर मैं ही बात करता हूँ। जी क्या हुआ? बस मेरा यही मानना है कि एक चुप होगा तो और सारे चुप होंगे, और दिलबर को भी समझाया मैंने काफ़ी दफ़ा बात की, लेकिन कोई नहीं, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश की थी मैंने बात करने की जो मैंने की है, बाकी सबकी अपनी मर्जी, मैंने सब तक मैसेज पहुंचाया है आप सबके थ्रू, तो हर कोई अपना देखता है कि हमारा आज अच्छा हो कल अच्छा हो और मरने के बाद भी अच्छा हो। तो मेरा यही है कि जब मैं मरूँगी तो मेरे साथ ना नैना आएगी ये ना दिलबर आएगा, ठीक है, हर किसी ने अपना हिसाब किताब खुद ही देना है, तो मैं क्यों किसी के बारे में कुछ बोलूं, ठीक है, वो भी नैना की खाला है, वो भी खाला है, तो उसकी मम्मा उसके साथ बैठी हुई है, वो मर्ज़ी उनकी, वो जिसका साथ देकर, अगर बाई चांस ज़िंदगी में कभी भी इनकी सुलह हुई होगी, साथ सारे बहने हैं, तो कोई मुझसे तो नहीं आके पूछेगा ना कि फातिमा, नैना तो ये नहीं आके कहेगी फातिमा बाजी मैं सितारा से सुलह कर रही हूँ कर लूँ, तो हर किसी को अपनी कब्र, अपना अच्छा बुरा हर किसी को पता है, तो बस यही बात है और कोई नहीं। पेपर अच्छा, बहुत अच्छा रहा, मैंने बहुत अच्छा पहला पेपर, अच्छा लगेगा तो साइन कर ले कर लूंगी, मेरा अच्छा आया आज, और मम्मा ने नहीं लेकर दी, पहला पेपर नहीं सारे पेपर अच्छे हो, अगर पास हो गया तो फिर मम्मा ने बोला था फिर हो गए थे, पास हो गए थे पास, कभी भी नहीं, फिर बस ये देखो, तो जी ये अच्छा पेपर रहा और मैं फेल नहीं हुई, अच्छा झूठ, इसके पेपर नहीं है, हाँ इसके नहीं है, आप तो बड़े हो गए हो ना, अच्छा टीचर को क्या बोला आज? बुरी बात होती है, बुरी बात होती है, ऐसे नहीं बोलते, फिर टीचर क्या बोलेगी कि आपकी मम्मा गंदी है, आप यही कहते हो कि सब मम्मा को गंदा बोले, तो मम्मा मुझे मार के मैं बोला करूंगा जब भी मारेगी, नहीं बुरी तो बात, जब मारेगी तब वगैरह मैंने चेंज कर लिया, तो बस अब टाइम हो गया 4:30 का, तो अपने वीडियो का ही प्यार करते हो, उम्मीद करते हो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।